नमस्कार दोस्तों, नया साल मुबारक हो। देव नर्सरी और हमारी टीम की तरफ से नौ वर्ष की शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, जो आपके पास गुलाब का पौधा ले जाते हैं या कोई जासवन का, तो फूल नहीं खिलता है। कई बार पौधा लगाने के बाद उसमें जंगली आ जाता है। जंगली आने के बाद कैसे उसमें एक बार दवाई डालें तो दवाई का असर करे। मैं दवाई इसीलिए कम लिमिट में कम वैरायटी का दवाई बताता हूँ, जो आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाए और उससे आपका फूल खिले। तो मैं बताऊंगा उसको लगा के उसमें जंगली कैसे निकलता है, कटिंग कैसे करना चाहिए, उसमें और क्या चीज़ मिलाएंगे ताकि जो दवाई डाले वो जल्दी से काम करे। तो आज मैं एक शैम्पू का राज बताऊंगा, जो शैम्पू डालने के बाद आपका पौधे में बहुत सारा काम करेगा। दोस्तों आप बहुत आसान तरीका से आपका फूल खिलेगा। आप बहुत कम दवाई डालने से ही आपका पौधा में पूरा फैल जाएगा दवाई, आप फूल खिलेगा। तो ये जानते हैं और उसमें क्या खाद डालना है वो भी बताऊँगा, नया तरीका से बताऊँगा आज बहुत बढ़िया तरीका से। दोस्तों तो आइए जानते हैं देव नर्सरी में। दोस्तों सबसे पहले गमला ले लीजिए एक ठो। गमला लेने के बाद में क्या कीजिए, इसमें सुराख देने दिया रहता है छेदा करने का, तो मैं इसको बता दूंगा। बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ, तो इसको ये थोड़ा नया रहेगा वीडियो। आपको जो सुविधा पड़ता है वो चीज़ आप अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और इसको छेदा करने के बाद आप इसमें पत्थर रख दीजिए, दो तीन ठो भी पत्थर रखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों इसमें मिला दिया हूँ मैं 50% मिट्टी डाल दिया हूँ, 30% भूसा डाल दिया हूँ और 20% गोबर खाद डाल दिया हूँ। इसको आप मिला के आप कर सकते हैं और कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद और क्या डालना है वो बताऊँगा, मिट्टी में इतना ही डालना है अभी। दोस्तों आपके पास अगर भूसा ना मिले तो आप इसमें कोकोपीट का मात्रा थोड़ा मिला सकते हैं या गोबर खाद का मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसको ऐसे करके भूसा ला लेंगे तो हल्का रहता है। उसके बाद दोस्तों डालने के बाद आप एक कंपोस्ट ला लीजिए। कंपोस्ट डालने से नया जड़ जल्दी से बनता है और फूल का साइज जो है ना बड़ा बड़ा होता है, पत्ते में कलर आता है दोस्तों। तो कंपोस्ट आप क्या कीजिए, एक मुठ्ठा ले लीजिए। एक मुठ्ठा लेने के बाद कर दीजिए ऐसे करके। दोस्तों गुलाब का फूल खिला देंगे, सारा फूल आपके पास बहुत आसान तरीके से खिल जाएगा। मेन गुलाब का रहता है, देखो ये देखिए दोस्तों, ये गुलाब का साइज छोटा हो गया है थोड़ा सा और पौधा भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसको मदर प्लांट भी बोलते हैं या जंगली बोलिए। तो इसी से नया पौधा बनता है, इसी में बडिंग होता है, इसका काट के बडिंग होता है। तो जो खाद दवाई हम डालते हैं ना, पहले जो भी खाद दवाई डालेंगे तो सबसे पहले इसको खाना इसी को मिल जाएगा दोस्तों। तो अपन नहीं ध्यान देते, गांठ का नीचे से निकलता है जो भी गुलाब देंगे। देखिए इसमें भी निकला है और इसमें लाल पत्ता कभी नहीं आएगा, इसमें जो है लाल पत्ता कभी नहीं आता है, पूरा हरा हरा पत्ता रहेगा, कई पहचान रहता है, 7 पत्ता रहेगा, कांटा बहुत सारा रहेगा। और इसके बाद ये जब भी निकलेगा ये गांठ के नीचे से निकलेगा, ऐसे करके यहाँ से निकलेगा, ऊपर से जो आएगा उसमें फूल खिलता है। तो इसको आप छोटे में ही तोड़ दीजिए, नहीं तो ये पूरा खाद पानी यही रख लेगा। अब कुछ दिन बाद अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधा ना पूरा इसको मार डालेगा। तो ऐसे करके कर दीजिए, इसको भी आप इसको तोड़ दीजिए। ये तो बहुत बड़ा हो गया है, मैं वीडियो बनाने के लिए रखा हूँ आपके लिए। तो आप क्या छोटे में तोड़ दीजिए, 1-2 इंची का निकले तभी तोड़ दीजिए। अब ये निकले, अब ये निकल बार बार निकल रहा है, इसका तरीका बताऊंगा कि निकले ही नहीं। इसको आप क्या कीजिए, ये मैं हाइब्रिड वाला गुलाब लगा के बता रहा हूँ आपको। इसको पहले फाड़ लेते हैं, इसमें दवाई क्या डालना है कैसे डालना है वो बताऊंगा। कभी भी पौधा लगाए थोड़ा थोड़ा मिट्टी को निकाल दीजिए, ताकि क्या नर्सरी में हम लोग रखते हैं तो बैठ जाता है, बैठने के बाद क्या होता है थोड़ा मिट्टी निकालने से हल्का हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए इसको। उसके बाद में ये जो गांठ है दोस्तों, ये देखिए गांठ, इसको इतना हिसाब से मिट्टी डालिए ताकि जो बडिंग हुआ है, बडिंग बोले मिट्टी के अंदर एकदम 1/2 इंच दबना चाहिए, ज़्यादा दबाने से भी खराब होने का डर रहता है। और कभी पौधा लगाए तो थोड़ा थोड़ा इसको दबा दीजिए दोस्तों, ऐसे करके दबा दीजिए। ये देखिए इसके लेवल में रहेगा तो नीचे मिट्टी नीचे बंद रहेगा तो ये कभी निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे करके जमीन मिट्टी कम पड़ जाए तो फिर और थोड़ा मिट्टी भर दीजिए, जो भी सूखा सूखा डंगाल है इसको काट देना चाहिए ऐसे करके। ये जो फूल खिल गया तो आप यहाँ से काट दीजिए। अब इसमें आपको 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, 15 दिन बाद खूब ये नया ब्रांच आ जाएगा, 25 दिन में फूल खिल जाएगा फिर। और इसमें करना क्या है, हर 15 दिन में या 10 दिन में, आप 10 दिन में डालेंगे ज़्यादा फूल खिलेगा, 15 दिन डालेंगे थोड़ा कम खिलेगा, हर 10 दिन में कोरा कोरा करके। और जैसे बताया हूँ, जैसे कि ये देखिए DAP है, ज़्यादा मैं वैरायटी नहीं बताता हूँ ताकि आपको डालने में परेशानी होगा, खोजेंगे अलग अलग खाद कितना सारा खरीद के लाएंगे इसीलिए।
खाद कोई भी हो, सरसों खली ग्रूमर मिला के डाल सकते हैं, खाली ग्रूमर भी डाल सकते हैं, उस डाले बस मात्रा कम और थोड़ा दूरी का बना के डालिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, दवाई कोई भी हो, रोगर हो गया, इस समय का बता रहा हूँ ठंडी के दिन में, ट्रासिल हो गया, और ये हो गया आपका मोनोकेन, मोनोलिक भी आता है, मोनोकेन भी आता है, मोनोक्रोटोन फास्ट होता है, दवाई कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं दवाई बताया हूँ वो दवाई रख लीजिए, उस दवाई में डालना क्या है वो बताऊँगा सबसे मेन। तो आप 1 लीटर या 2 लीटर पानी रख लीजिए, 1 लीटर रखेंगे तो 7-8 बूंद डालना है दवाई को, कोई भी दवाई जैसे मनोधन या रोगर, और 2 लीटर रखेंगे तो 10 बूंद डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसमें शैम्पू मिला दीजिएगा, एक जो पाउच आता है पाउच को 4 बार मिलाना है, एक बार में चार ही, एक पाउच को 2 लीटर में 4 क्वांटिटी में करना है आपको, तो जाके अच्छा रहेगा ये वाला। काट लीजिए, एकदम थोड़ा सा इसमें मिलाना है, इतना हो जाएगा बहुत है। इसके बाद इसमें दवाई मिला लीजिए, दवाई भी मिला लिया हूँ पहले, उसके बाद इसको मिला लीजिए ऐसे करके। दोस्तों होता क्या है, शैम्पू मिलाने से, खाली शैम्पू डालने से नहीं हो, शैम्पू बाल धोने के लिए आता है, शैम्पू जो है बाल धोने के लिए आता है। अब ये जो हम शैम्पू इसलिए मिलाए हैं, हम लोग अपने पौधे में मिलाते हैं इसके, अगर शैम्पू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर घर में रहता है, इसके साथ एक चिप्पू नाम का आता है, चिप्पू भी मिला सकते हैं आप, उससे पत्ता में चिपकता है और पूरा पौधे में फैल जाएगा। आप पानी डालते हैं, जैसे देखिए पानी रुका हुआ है, अब ये शैम्पू डाल दूंगा, वो उसका पानी रुका हुआ है दोस्तों, अब इसको डालूंगा तो पूरा फैल जाएगा, देखिए पूरा फैल जाएगा। तो शैम्पू डालने से ही फायदा रहेगा, जैसे आप भी समझ सकते हैं शैम्पू लगाते हैं बाल में तो कितना जल्दी बालों में पूरा फैल जाता है, तो इसीलिए पौधे में जब डालेंगे तो दवाई को ना पूरा चारों तरफ फैला देगा, और कुछ इसमें फायदा नहीं रहता है। इससे डालने से कीड़ा मकोड़ा खाली शैम्पू डालने से नहीं मरेगा, शैम्पू डालने से जो दवाई मिलाएंगे दवाई को पूरा पौधे में फैलाएगा, यही फायदा रहेगा दोस्तों। आइए मैं डाल के बता रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ऐसे करके आप अब दवाई भी डाले तो एकदम ऐसे एकदम एक ही जगह पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे भिगा दीजिए, जैसे कि ऐसे ऐसे करके भिगा दीजिए, नहीं ज़्यादा मात्रा भी होगा तो पत्ता ना झड़ने लगता है, तो ऐसे करके देखिए दोस्तों, ऐसे करके डालना चाहिए। मैं जो बताऊंगा मेरा बताया हुआ कि आपका फूल 100% खिलेगा, देखिए हमारे पास सामने ही देखिए कितना सारा फूल खिला है और कितना बड़ा बड़ा फूल खिला है, कोई इसमें छुपाने वाला बात नहीं है, देखिए दोस्तों कितना सारा फूल खिला है। हम लोग क्या है ये सब पौधे के लिए एक्सपर्ट है, तो कौन सा दवाई का पर डालना है कैसे डालना है, तो वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपको कि आपका भी फूल खिले दोस्तों। अब नया साल आ गया, जनवरी महीना तो आप शुरू कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कब कौन सा पौधा लगाना है, कौन दवाई डालना है, तो जैसे जैसे मैं बताऊँगा ऐसे कीजिए, आपका बराबर दोस्तों फूल खिलेगा और पौधा भी अच्छा रहेगा। कैसे पानी डालना चाहिए और धूप में, गुलाब को तो कम से कम 5-6 घंटा धूप मिलना चाहिए, अगर कम धूप मिल रहा है तो पानी कम डालिए, और उसके बाद आप दवाई डालते रहिए, अगर कम धूप है तो आप हफ्ते में एक बार दवाई डालिए, तो उससे क्या होगा पत्ता में नमी आएगा, दवाई क्या है थोड़ा हार्ड रहता है तो पत्ते को नरम करता है, और नरम करने से नया ब्रांच आता है तो फूल जल्दी से खिलता है। दोस्तों नया साल आ गया है, मैं हर दिन आपको एक नया नया तरीका से वीडियो बनाऊंगा, आपके पास पहुंचेगा, मैं हर वीडियो में कुछ नया बताऊंगा, आपका फूल खिलेगा ऐसे ही करके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं एक नया वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।